हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई, आज का सीन ऐसा है कि आज हम अपना व्लॉग नहीं बना रहे, आज हम टेक रिव्यू बना रहे हैं, टेक वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी जब मैं बाहर से आया, सामान लेके 4 बजे शाम का टाइम होने वाला है, मौसम भी कुछ अच्छा हुआ था, मैं बाहर चला गया था घूमने। तो अभी का सीन ऐसा है कि अमेज़ॉन की ईमेल आई है हमारे पास, तो उन्होंने बोला कि भाई आपको एक पार्सल भेजे, एक पैकेज भेजे, उसका रिव्यू करिए अपने चैनल पर, उसकी अनबॉक्सिंग करिए और बताइए कि कैसा है कैसा नहीं। तो पार्सल हमारे पास आ चुका है, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके स्पेक्स क्या क्या हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है, फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स ये है कंपैटिबल विद स्मार्टफोन, टैबलेट, DSLR कैमरा, सब में यूज़ होगा, स्मार्टफोन में, टैबलेट में, DSLR में और कंपैटिबल डिवाइस में। बस अब चलते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते और इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्सिंग में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, कोई पन्नी अन्नी कुछ नहीं चढ़ी, जैसे आईफोन के डब्बे के ऊपर होता है ना, पन्नी चढ़ी होती है, आराम से निकालो, वो शशके अलग ही होते हैं आप लोग। अच्छा कि भाई आईफोन की अनबॉक्सिंग करने में मज़ा आता है देखने में। तो आज आप माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग देखिए, बोया MM1 माइक्रोफोन, ये है व्लॉगिंग के लिए ज़्यादातर। तो अमेज़न से जो पार्सल आया वो ये पार्सल है, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग देखते कैसे, कुछ भी नहीं है बस, दादा यहाँ से फाड़ो और ये देखो ये फाड़ भी गया जल्दी के चक्कर में, यहाँ से मैंने फाड़ भी दिया, बताओ दादा कुछ नहीं है ज़्यादा, यहाँ से बस करो इसको ऊपर करो, यहाँ से इसको उठाओ ऐसे करके, और ये जो क्लिप है प्लास्टिक का इसको निकालो और ये हो जाएगी आपकी अनबॉक्सिंग। ओके चलिए भाई, अनबॉक्सिंग में क्या क्या है देख, अनबॉक्सिंग डब्बा खोल लिया हमने और यहाँ से हमने शहीद भी कर लिया इसको। चलिए भाई अब इसको निकालते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है ये चीज़, उसके बाद डब्बे में क्या है, ओ उसके बाद डब्बे में हमारे पास है वारंटी कार्ड, शेजैन जियर्स फोटो, पता नहीं जो वारंटी कार्ड है, जो किसी के फायदा नहीं है, वारंटी देते ही नहीं जब इतना सस्ता पैकेज है, तो इसकी क्या वारंटी देंगे, 2-3 घंटे की वारंटी चेक कर लो आप चला के, बस ये वारंटी हो जाए। और कुछ इसके अंदर मैनुअल गाइड इंस्ट्रक्शन है जो कोई नहीं पढ़ता उसको, नहीं यार फिर भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो लिखा है बोया MM1 यूनिवर्सल कॉर्डेड माइक्रोफोन और इसकी तस्वीर बनी है जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है जी। और सबसे पहले अनबॉक्सिंग के बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे स्पीकर माइक्रोफोन व्लॉगिंग के लिए, जो हम बहुत टाइम से लेने के लिए सोच रहे थे लेकिन अमेज़न ने हमें पहले से भेज दिया है, ठीक है जी। अच्छा सीन कुछ ऐसा है कि ये होता है धुम्बे के बालों की तरह देखो इसको यूँ खींचो तो जो इसकी जो ये विंड शीट है ना, जो है बाल धुम्बे के बाल जो लगे हुए हैं गिरे गिरे गए, तो ये जो असल जो गेम है ना वो इसकी है, हवा से हवा की आवाज़ वो सब जो मेन है ना वो इससे रुकती है, इसके अंदर एक आराम नरम मुलायम सा फॉर्म लगा हुआ है और ऊपर धुम्बे के बाल लगे हुए जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और मेन जो है वो ये चीज़ है, स्पीकर जो है आपका मेन वो ये चीज़ है, मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा जोर से दबा दिया, अंदर चला के देखो तो स्पीकर जो मेन है ना वो ये, हम यहाँ से यूँ आओ करके बोलते हैं ना तो इसमें से आवाज़ जाती है, यहाँ पर आपका माइक लगता है रेडियो वाला जो एल शेप में बना हुआ होता है, एल शेप में होता है, वो भी अभी हम निकालेंगे वायर, और ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है बोया BY MM1, तो देख रहे हैं क्या ब्रांडिंग करी है बोया वाले ने, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का माइक लग रहा है, प्लास्टिक का है लेकिन अच्छा है। उसके बाद रहते हैं, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे लेदर का कवर, लेदर का केस, कि अगर आपको डब्बा इस्तेमाल नहीं करना चीज़ें निकालने के बाद तो आप डब्बे के हटा दो, फेंक दो, इस प्लास्टिक को भी फेंक दो, कवर के अंदर इसके माइक के अंदर रखे, साइज ये तार के अंदर रखे और यूँ इसको बंद कर दो बस, ठीक है जी। इस कवर का ये फ़ायदा जो उन्होंने दिया है मेरे को, लेदर का कवर सही है क्वालिटी में, तो क्वालिटी बहुत अच्छा है, बारिश के अंदर भी आप लेके जा सकते हो, घूम फिर के सही कर सकते हो, व्लॉगिंग अपनी कर सकते हो, ठीक है जी। इसको भी रख देते हैं यहाँ पे साइड में, ने बोया की ब्रांडिंग के ऊपर, ये आ गया बोया का लेदर केस। उसके बाद आ जाती है ये क्या बोलते हैं वायर, तो यहाँ पर लिख बना हुआ है स्मार्टफोन, तो ये जो तार है केबल है सीधी वाली आई वाली, ये आपके मोबाइल के अंदर लगती है, अभी हम लगाएंगे वो भी दिखाएंगे आपको, ये आपके मोबाइल के अंदर लगती है जहाँ पे आपका हैंड फ्री जैक होता है वहाँ पे लगती है, और ये जो है ये जो चीज़ है ये आपके इस पे लगेगी, देखो ये आपके इस पे लग गई और ये मोबाइल पे लग गई, चलो भाई व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो आपने, ठीक है। तो ये इस एक वायर ये है, ठीक है जी। और दूसरी वायर क्या है हमारे पास, दूसरी वायर टेलीफोन वाली वायर है, आपने आजकल देखा होगा ना टेलीफोन होता है सबके पास, उनके अंदर जो वायर लगी हुई होती है, ये वाली तार लगी हुई होती है, खींचो मज़ा आता है इसको खींचने में, टूं 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 तो वही ये वायर है। अच्छा इसमें क्या पंगा है, इसमें दोनों केबल जो हैं, दोनों जो इनके वो हैं नोकीले केबल, वो दोनों एल शेप के हैं, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कैमरे का, देखो कैमरा बना हुआ तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा,
फोकस कर लिया अगर इसने, तो ये देखो ये कैमरा बना हुआ है, तो ये कैमरे के सुराख के अंदर जाएगी चुतड़ के अंदर, और ये जो लगा हुआ है ये दोबारा इसी माइक के अंदर जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये चली गई, सेम है कैमरे का कैमरे में, मोबाइल का मोबाइल में, स्मार्टफोन का स्मार्टफोन में, ठीक है जी। ये भी हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद आते हैं ये हमारा माउंट, जो स्पीकर, जो स्पीकर बोल रहा हूँ, जो हाँ जो हमारा माइक्रो फोन है, जो हम इसको मोबाइल पे लगाएंगे, ट्राइपॉड पे लगाएंगे, ट्राइपॉड भी रखा हुआ है भी हमारा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कमेंट में कि जो मेरा ये जो क्या बोलते हैं डिसेंट सा जो लुक है टेबल का, वो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। ये मैंने बहुत पुराना लिया था जब मदरसे में पढ़ता था, मैं हिच करता था, तो जब मैंने सर्दियों के लिए लिया था कान वाला जो लोग, जैसे आप लगा लो कान ठंडे होते तो उससे गर्म हो जाता। बाकी ये हमने डिसेंट से लुक करने के लिए हमने यहाँ पे ये रख दिए हैं। बाकी ये डब्बा आ गया, और दो चंद किताबें पड़ी हुई, डायरी पड़ी हुई हमारी, बाकी हमारी अनबॉक्सिंग हो रही है यहाँ पर, तो आप देख रहे हो। तो ये माउंट आ गया, ठीक है जी। और मेन चीज़ जो है कहाँ गई, बस ख़त्म, इतनी सी चीज़ें थी ये क्या। अब इसकी क्वालिटी देखेंगे कैसी क्वालिटी है, इसको अंदर घुसा दो बस, और ये जो कवर है इसको यहाँ पे लगा दो बस खींच के, नहीं पहले इसको लगा लेते हैं ऐसा करते हैं, फिर इसके अंदर घुसाएंगे ना, फिर इसके जो बाल है ना धुम्मे के वो टूटने शुरू जाएंगे। अभी अभी नया नया लिया यार, थोड़ा सा इस्तेमाल तो करें, थोड़े पैसे वसूल तो करें, अमेज़ॉन को बोलेंगे भाई हम इसको तरीके से इस्तेमाल करेंगे। पहले तो लग ही नहीं रहा, ओ लग गया लग गया लग गया, ओ मुबारक हो, लग गया भाई लग गया लग गया। तो ये देखो भाई ये ऐसा है माइक्रोफोन, और यहाँ पे इसका आ जाएगा कवर। तो अब ये कवर लगाते हैं और आपको सारा सकत दिखाते हैं। अच्छा, इसके लिए इसके साथ एक चीज़ और लेनी पड़ती है जो मैंने अलग से ले ली है, वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ ये रही हमारे पास। तो ये है माउंट, एक्स्ट्रा माउंट है जो आप इसके ऊपर लगाओगे, तो जब भी आपका जो ये बोया MM1 माइक है, माइक्रोफोन है, जब भी आप इसके ऊपर लगा के चला सकते हो ना, तो फिर आपको हाथ में पकड़ना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा अलग से। यहाँ पे माइक है, यहाँ पे मोबाइल है, भाई यूँ बोल रहे हो आप। तो ये माउंट होता है, माउंट इसके ऊपर लग के यहाँ पे ये स्पीकर लगता है ऐसे करके, और आपका क्या बोलते हैं सेटअप रेडी हो जाता है। तो अभी हम लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अच्छा, ट्राईपॉड भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो हो जाओ साइड में, तेरा काम ख़त्म। अब आ जाओ ट्राईपॉड पे। ट्राईपॉड रॉकेट साइंस नहीं है, बचे जो स्क्रू है इसके स्क्रू के अंदर डाल के घुमा के यूँ लगा दो बस। चलो भाई आपका सेटअप हो गया रेडी, तो आप इसके सशके देखिए, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। चश के देखने के बाद हम इसके लगाते हैं, इसके अंदर लगाते हैं मोबाइल, इसके लगाते हैं क्या, इसके अंदर ही लगाएंगे ना भाई। अच्छा, अब माइक्रोफोन लगा लिया, माइक्रोफोन लगा लिया, स्टैंड लगा लिया, माउंट लगा दिया, अब बचा है तो क्या है, वो है मोबाइल हमारा। तो उमर भाई का मोबाइल पड़ा हुआ है, तो हमने कहा चलो भाई इसी से लगा लेते हैं, वो आपको दिखाते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर यहाँ पर अटकाया, और यहाँ से भाई इसको यूँ हल्का सा थोड़ा आगे ताकि बटन ना लगे आपका, हल्का सा लगाने के बाद इसको ये कर दो ऊपर, ठीक है भाई। ये आपका सेटअप हो चुका है पूरा रेडी। अब इसके आप शशके देख लीजिए भाई, अब इसके आप शशके देख लीजिए। तो ये इसके शशके हैं, ये इसका सेटअप है पूरा, ये सेटअप है माइक का। तो ऐसे आप व्लॉगिंग करते हैं, ऐसे करके व्लॉगिंग करते हैं आप लोग, कि भाई जो माइक की जो आवाज़ है, जो आपकी जो वॉइस आवाज़ है वो बिल्कुल माइक के पास जाए, वो बिल्कुल आए। और हाँ, मेन चीज़ तो हम लगाना ही भूल गए, वायर भाई, जब तक वायर नहीं लगाओ, तो क्योंकि वायर नहीं लगाओगे तो व्लॉगिंग कैसे करोगे। तो ये आ गई इसकी ये वाली माइक जिस पे फ़ोन बना हुआ है, तो ये हम फ़ोन में लगा देंगे ऐसे करके, ये फ़ोन में लगा दो, आवाज़ आ गई। और ये जो चीज़ है आपकी, ये आ जाएगी आपकी माइक के अंदर, ठीक है भाई, ये आ गई आपकी माइक के अंदर। चलो अब चलते हैं बाहर या कमरे में ही इसको शूट करते हैं, और देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है। तो अभी बॉयज़ मैंने पूरा प्रॉपर सेटअप कर लिया है, जो कि अपने फ़ोन पे ट्राईपॉड मेरे हाथ में है, माइक लगा हुआ है माइक्रोफोन, और अब माइक से रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा प्रॉपर सेटअप कैसा है। तो भाई देखो ऐसा है पूरा प्रॉपर सेटअप, ये ऊपर माइक आ गया हमारा माइक्रोफोन बोया BY MM1, ये नीचे ट्राईपॉड आ गया, ये इसकी केबल आ गई। अब
अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो ट्राइपॉड लगा के माइक लगा के शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी चेक करनी, क्वालिटी चेक करनी है ना, वॉइस क्वालिटी की, कैसी वॉइस क्वालिटी आ रही है। तो बस अभी इतनी देखते हैं कि इसमें ज़्यादा आ रही है। अब जो पहले जो टेबल पर रखा हुआ था वो बिना माइक के था, अभी जो है वो माइक के साथ आ गया। तो आप लोग बताना कमेंट में कि माइक के साथ ज़्यादा आवाज़ आ रही है या माइक के बगैर, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने उमर भाई के मोबाइल पर, मोबाइल से शूट करी है वीडियो माइक लगा के, तो बिल्कुल सही क्वालिटी आ रही है, बिल्कुल सही क्वालिटी आ रही है। पंखा चल रहा था हल्का पुल्का, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल प्रॉपर आवाज़ आ रही है माइक की। तो 2000 रुपये वर्थ है यहाँ देखा जाए तो, लेकिन जब शोर ज़्यादा होगा ना तो फिर ये माइक भी कुछ नहीं कर सकता जो आप देख रहे हो ना। लेकिन जब बाहर पंखा तेज़ चलेगा या जब बाहर की नॉइज़ के नॉइज़ बहुत आएगी, तो भाई ये जो 2000 रुपये का माइक है ना आपका, तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। तो बाकी जो आप वीडियो में, आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो में देखा हो कि भाई वो वायरलेस माइक लगाते हैं और पेड़ के पास होते हैं, कहीं दूर होते हैं, गाड़ी में कैमरा लगा हुआ था और आवाज़ शूट हो रही थी, वो बिल्कुल हवा की भी आवाज़ आती, तो भाई वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर से वो काम करते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पे वो एडिट करते हैं। हमारे पास तो छोटा सा सॉफ्टवेयर है, थोड़ी बहुत तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे, हमें फॉलो करेंगे, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, तो हम भी वो बड़े बड़ी चीज़ें अचीव कर सकेंगे, न्यू न्यू अचीवमेंट ले सकेंगे चीज़ों की, जैसे बड़ा माइक, बड़ा कैमरा और कोई बहुत सी सारी चीज़ें, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू लैपटॉप एडिटिंग के लिए, ठीक है भाई। बस आज की वीडियो इतने ही, आई होप आपको ये व्लॉग फॉर वीडियो हमारे चैनल में पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तो सेटअप जो है वो आप देख चुके हैं, बिल्कुल ऐसा प्रॉपर सेटअप है, देखो। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।